तो दोस्तों बिग बॉस के घर में आज दो विलन्स को बचाया है सलमान खान ने। क्या किया सलमान खान ने उन दोनों विलन्स के लिए, पूरा का पूरा एपिसोड में सलमान खान ने आज वॉट लगा दी, या ये कहा जाए पूरा का पूरा जो एपिसोड जो था वो बेस्ड कर दिया गया सुंबल पर, टारगेट किया गया सुंबल को। एक ऐसा टारगेट जो बहुत कमजोर कड़ी है, एक ऐसा टारगेट जिसे बलि का बकरा बनाया गया, एक ऐसा टारगेट जो कि कुछ बोल ही नहीं पाती है, उसे टारगेट बनाओ, पूरा एपिसोड बना दो और टीआरपी भी बटोर लो और मेन जो विलन्स हैं उन्हें कुछ कहो ही मत। तो आज के शो में मुझे यही फील हुआ कि सलमान खान बहुत बायस नजर आए, जैसे कि बिग बॉस भी बायस नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने पूरे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ आज किया है क्या, सिर्फ सुंबुल की लगाई क्लास, सुंबुल को रुलाया रुलाया रुलाया, उस बेचारी सुंबुल को देखकर बड़ा तरस आया। दूसरी तरफ उन्होंने शालीन भनोट को आज पकड़ लिया और मेन जो लोग हैं जिसने शुरुआत की, एमसी स्टेन ने शुरुआत की गाली गलौज की, शिव आ गया, शिव ने उसका मुंह यहां से पकड़ लिया और वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था शालीन, वहां पर उसे भी बुरा बना दिया गया। सिर्फ और सिर्फ यहां पर शालीन सुंबुल को रुलाया गया और कुछ नहीं था आज के एपिसोड में। एमसी स्टेन को आपने कुछ नहीं कहा, जिसने ये किया उसने सॉरी बोल दिया तो आप कुछ नहीं बोले, शालीन के लिए आप पीछे पड़ गए। दरअसल एमसी स्टेन और शिव को अब घर से नहीं निकाला जाएगा। पहले जब लड़ाई हुई थी अर्चना और एमसी शिव की, तब शिव को पूछा गया था ना क्या चाहते हो, यहां पर सच बात है शालीन से क्यों नहीं पूछा गया, हालांकि जस्टिफिकेशन दिया था सलमान ने इस चीज का कि आप दोनों का एक दूसरे पे थोप देते इसलिए टीना से पूछा गया, वहां दो ही लोग थे यहां तीन लोग हैं लड़ाई में, इस वजह से टीना से पूछा गया। लेकिन दोस्तों हम ये पूछना चाहते हैं कि सलमान खान ने एमसी स्टेन को उतनी फटकार क्यों नहीं लगाई जितनी एमसी स्टेन के अलावा इसको लगाई, शालीन को लगाई और सुंबुल को लगाई, रुला दिया। एमसी स्टेन से बस इतना कहा कि तुम्हारी मम्मी को क्लिप दिखाए क्या, तुम्हारी अम्मी रोकती नहीं है क्या, बस इतना ही बोला। तो एक ऐसी टारगेट सुंबुल जो कि कुछ बोल ही नहीं पाती है, जो कुछ नहीं बोल पाती है, मे भी हो सकता है कि वो सच में केयर करने वाली लड़की हो, आदत हो, इस वजह से वो ये कर रही हो, हालांकि उसको ऑब्सेशन दिख रहा है, हमें भी दिख रहा था वो ऑब्सेशन, लव एंगल कह सकते हैं, ऑब्सेशन कह सकते हैं, लेकिन इस कदर नेशनल टेलीविजन पर बेइज्जती करना एक 19 साल की लड़की की, उसे टारगेट बना लेना, ये कहीं की भी समझदारी नहीं लगती है, ये कहीं से भी शो चलाने लायक एक्टिविटी नहीं लगती है। कम से कम सलमान को इस चीज को डिनाई करना चाहिए था, इस कदर एक ही टारगेट को हम मुद्दा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर तो कोई बात हुई नहीं घर के मुद्दों पर। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बिग बॉस के घर में यहाँ पर ये जो चल रहा है, ये हिपोक्रेसी चल रही है। यहाँ पर टीना की और एमसी स्टेन की दोस्ती कब हो गई दोस्तों, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या दिखा, कब हुई इसकी दोस्ती, कब यहाँ पर वो उस दोस्ती को एक वजूद मान लिया गया, आई एम नॉट श्योर। इसके बाद घर के अंदर शालीन और टीना के लव एंगल को दिखाया जाएगा। घर से इस समय कोई नहीं निकलेगा, सिर्फ एक बंदा निकलेगा, वो है गौतम बिज। यहाँ पर एमसी स्टेन को रखने की वजह क्या है, रखने की वजह यही है कि वो अर्चना और प्रियंका से लड़ाई करेगा और यहाँ पर बनेगा कंटेंट और अर्चना प्रियंका को शिव और एमसी स्टेन करेंगे परेशान। तो यहाँ पर और कुछ नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर सारा खेल टीआरपी का है और शो चलाने का है, अदरवाइज बहुत बायस गेम था यहाँ पर। वहीं पर अच्छे से मालूम चल गया है शालीन भनोट को कि सुंबुल जो है वो उसके प्रति ऑब्सेस्ड है, सुंबुल को यूज करता है वो कहीं ना कहीं यूज करता है सुंबुल को, ये दिख रहा है सबको, सलमान को दिख रहा है। एक्चुअली सलमान ने आज मेन बात तो कही नहीं कि सुंबुल, हालांकि बोली थी कि तुमको दिखता नहीं शालीन, शालीन ने मना कर दिया नहीं दिखता, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सुंबुल तौकीर खान बन रही बेवकूफ, सुंबुल तौकीर खान जो है वो ऑब्सेशन के चक्कर में शालीन के हाथों से हो रही है यूज, और वहां शालीन टीना से कह रहा था कि तुमने मुझे यूज किया, जबकि वो सुंबुल और टीना दोनों का यूज कर रहा है। तो ये यहाँ पर सलमान ने जो क्लास लगाई आज शालीन की, रुला दिया उसे और बहस और कर रहा ऊपर से, कुछ हद तक तो ठीक थी, लेकिन सुंबुल को जिस तरह से रुलाया है, क्योंकि वह कमजोर कड़ी है, कमजोर टास्क है, उसको रुलाना उस लेवल पर समझ में नहीं आया हमको, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक आज लगा एंगल। वही एमसी स्टेन से कुछ नहीं कहा, फिर प्रियंका को
लेकर बोलते नजर आएंगे कि तुम अर्चना 2.0 होने वाली हो, क्योंकि तुम घर के अंदर उन मुद्दों में घुसती हो। और दूसरी तरफ जो नहीं घुसता है, निमृत गायब है, अब्दू गायब है, अब्दू सो रहा था, इतनी लड़ाई हुई, अब्दू कहाँ था पता ही नहीं चल रहा था। अब अब्दू के बारे में भी यह है कि अब्दू को इस घर से अभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो 15 जनवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। तो ये जो चीजें हैं, छुपी हुई चीजें हैं, ये भी एक तरह से दिखाती है कि घर के अंदर जो भी हो रहा है प्री प्लान हो रहा है। अगर इस घर से अभी एमजी स्टेन को बाहर कर दिया जाता, सजा के तौर पर गौतम को रोक लिया जाता, तो क्या बिगड़ जाता? क्या कर रहा है एमजी स्टेन घर के अंदर सिवाय लड़ाई के, गाली गलौज के? करता कुछ नहीं है, खाना तो वो बनाता नहीं, सब्जी भी काटते मैंने उसे नहीं देखा, फिर भी उसे बचाया गया। तो यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि घर के अंदर जो चल रहा है, लोगों की मनमानी चल रही है, ठीक है, घर के अंदर बायसपन चल रहा है, घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें चल रही है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर एमसी स्टेन को अगर बाहर निकाल दिया जाता बिग बॉस के घर से सजा के तौर पर और गौतम को रोक लिया जाता, तो जब नियम अपने हिसाब से बन ही रहे हैं, टूट ही रहे हैं, तो ये नियम भी बन जाता, ये भी टूट जाता। आखिर कम से कम ये तो रहता कि उसने जो गलत किया, उसने जो गाली गलौज की या उसने जो भी किया, उसकी सजा उसे दी गई। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं प्रियंका चहर चौधरी, क्योंकि लास्ट में सलमान ने प्रियंका से ही बात की थी, बाकी तो जब जो हुआ है वो सब फेक ही था। टीना और शालिन की जो लव एंगल दिख रहा है, जो लव स्टोरी आज क्रिएट की गई, वो भी फेक था, क्योंकि उसी से टीआरपी बढ़ रही है। सबसे बड़ी टीआरपी कैसे बढ़ रही है दोस्तों? 1.5 से 1.8 पर पहुंच चुकी है टीआरपी बिग बॉस की। हैशटैग रन कर रहे हैं शालिन भनोट, हैशटैग जो है रन कर रहा है सलमान खान, वीकेंड का वार ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। तो अब यहाँ पर प्रियंका का नाम लिया गया है, प्रियंका को सीधा सीधा कह दिया गया, आप अर्चना से हम कंपेयर करेंगे तो आप अर्चना 2.0 हो जाओगी कुछ ही दिनों में। आप ऐसा कर रही हो, घर के अंदर आग लगा रही हो, घर के अंदर आप एक घी डाल रही हो लोगों में, लड़ाई करवा रही हो। क्यों? क्योंकि प्रियंका चहर चौधरी के जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर भड़केंगे और भड़केंगे, और प्रियंका चहर चौधरी को सर्च किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? टीआरपी बढ़ेगी, बाकी हैशटैग्स को देखा जाएगा, सलमान के हैशटैग को देखा जाएगा, वीकेंड के वार के हैशटैग को देखा जाएगा, लोग उसे रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको टैग करेंगे, प्रियंका चहर चौधरी को कहीं कुछ हो ना जाए, उसको निकाल ना दिया जाए, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये सारा मामला जो है वो टीआरपी के मुद्दे का है, क्योंकि बिग बॉस जानते हैं, सलमान खान जानते हैं, मेकर्स जानते हैं कि अपने जो फैंस हैं, मतलब इन कलाकारों के जो फैंस हैं, इनको कैसे कैसे इनको होल्ड करके रखना है, कैसे इन्हें कैप्चर करके रखना है, कैसे ये भाग ना पाए, निकल ना पाए, क्योंकि जिस नाम से ये जुड़े हुए हैं, जिस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर अगर खतरा मंडरा रहा है, मान लो सुम्बुल के फैन है, सुम्बुल को भी यह नहीं निकाला जा रहा, सुम्बुल को भी जीवन दान दिया जा रहा है, सुम्बुल अगर इतना ही खराब खेल रही है, अच्छा नहीं कर रही है, तो निकालो उसे बाहर, नहीं क्यों? उसे उसके फैंस के द्वारा जितवाया जाता है, उसे नॉमिनेशंस भी मिलते हैं, फिर भी वो नहीं निकल पा रही है। सो क्या चल रहा है बिग बॉस के अंदर? बायस बना चल रहा है, कोई यहाँ पर लॉयल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको लगता है कि हमने सही कहा या सुमुल के साथ गलत हुआ है, उसे बलि का बकरा बनाया गया है या उसको टारगेट किया गया जबरदस्ती, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।